हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस। आज मैं भविष्यवाणी करने वाला हूँ कल मार्केट का जो टॉप है बॉटम है और किस लेवल पे आपको बाई करना है या सेल करना है, क्या प्योर प्राइस एक्शन के साथ करोगे। 640 प्लस एपिसोड जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 85% है, ऐसा मैं ही मेरे फॉलोअर्स बोलते हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। चलिए डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद रिटर्न करना, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। मैं चाहता हूं कि आप सीख कर समझ कर फिर पैसा बनाने का कोशिश करें, ना कि तुक्का ट्रेडिंग करें। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने 2 दिन पहले आप लोग को जो रात को हमने 1:30 बजे जो सेशन लिया था उसमें आपको मैंने कल की बात आज के लेवल्स बताए थे। क्या बताए थे अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके बताना। सर 19,647 का लेवल बताया था कि इसके ऊपर जाएगा देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द बाइंग। आप देखो 6 तारीख को, इसके बाद 5 तारीख को, और आप खुद देख सकते हो मार्केट इसी जगह पे गया रिजेक्ट, 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 और जहां से मैंने लक्ष्मण रेखा बोला 647 के बाद, यहीं से रिजेक्ट के बाद आप देखो 547 तक का लेवल आया है, यानी कि 100 पॉइंट्स लोअर लेवल तक गया है। कैसे पॉसिबल? तुक्का है भाई ये, तुक्का ट्रेडिंग नहीं, कुछ तो लॉजिक हो, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, कहीं तो बिलीव करोगे। चलो ये भी छोड़ दो। अच्छा अब मैं अगर बात करूं फ्रेश लेवल की, रात गई बात की, फ्रेश बताओ सर तब हम मान, तब हम समझे। तो अगर मैं फ्रेश लेवल्स की बात करूं आप लोगों के लिए, तो मेरे दोस्त आपको करना क्या है वो समझ। 19,670 इंपॉर्टेंट हडल, जब जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द बाइंग, अदरवाइज नो बाइंग एट ऑल। यस तो बड़ा है, एक ही मंत्रा है, एनी पैनिक एनी डिक्लाइन अब मैं बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है पॉसिबल। अब 670 के ऊपर बिंदास बाइंग करेंगे, पहला टारगेट होगा 19,747 का, दूसरा टारगेट होगा 19,700 मार्केट। अच्छा एनी डिक्लाइन और पैनिक क्या करना है, घबराना है नहीं घबराना है, इसको मैं हटा देता हूं। तो मेरे दोस्तों आपको जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूं नोट कर ले, 19,610 और 19,057 इंपॉर्टेंट हडल है। इस जोन में अगर कल मिले, कल मान लो गैप डाउन खुलता है और इस जोन पे आता है तो आपको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी। अगर आपको सेल करने का मन है तो एक ही मंत्रा 547 के नीचे ही हम लोग सेल करेंगे, अदरवाइज नो सेल ऑल। मेरा टारगेट होगा 19,470 19,447। राइट अब मैं आ जाता हूं बैंक निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी का लक्ष्मण रेखा बताया था, राइटर्स को भी अपने लेवल्स बताए थे कि बॉस ये टॉप का जोन है ओनली थिंग फॉर द सेल, ये बॉटम का जोन है ओनली थिंग फॉर द बेल। भाई अब देखो कल मार्केट में जो 5 तारीख को सर एग्जैक्ट टॉप बनाया, डबल टॉप बनाया, यहीं से रिजेक्ट। कितने पॉइंट की? 400 पॉइंट की गिरावट, ओनली डांसिंग टू किंग रिसर्च ट्यून। किंग रिसर्च 50 100 200 पॉइंट के लिए काम नहीं कर रहा है, बड़े टारगेट्स के लिए काम करता है, इसलिए आपको मैं बोलता हूं फॉलो करना है। तो यहां 400 पॉइंट डाउन और एग्जैक्ट इसी जगह पे बॉटम बना के इसने रैली ऊपर की तरफ, तो ये कैसे पॉसिबल है? टॉप भी मेरा बॉटम भी मेरा, यानी कि देखना चाहते हो टॉप पे कैसे ठोका जाए बॉटम पे कैसे बाइंग किया जाए, मुझे कैसे पता चलता है कि ये टॉप और ये बॉटम बनने वाला है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आ जाओ सिखा देंगे। 9 सितंबर को हैदराबाद में एक दिन का इवेंट है, स्वागत है, सीखने की नियत। मैं अच्छा सेटअप दूंगा कि यार ये, और साथ ही साथ दिल्ली की डेट्स निकल आ चुकी हैं, अनाउंस करना चाहता हूं आप लोगों से कि सर 7th ऑफ अक्टूबर का हमारा दिल्ली का वर्कशॉप है, तो रजिस्ट्रेशन ओपन है करने का, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, बात पाने हिसाब से। हाँ राइट अब आ जाइए इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाह रहा था कल की बात आज, कि कल क्या करें सर ये बताओ। तो दोस्तों पहला आपको मैं बता दूं, नीचे का जो जोन है इसको मैं चेंज नहीं करने वाला, यानी कि 44,256 इसी जोन में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाइंग करने की। बात खत्म, क्लियर राइट? इसी जोन में आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर इसमें पैनिक होगा तो आपको सर वेट करना है 44,256 के नीचे, देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द सेल साइड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको ढेर सारे अपने एनालिसिस देता हूं, लर्निंग पार्ट देता हूं, देता हूं चार्ट लॉजिक देता हूं, फ्री कॉल्स भी देने की कोशिश करता हूँ, खूब सारी लर्निंग होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
देखा लाइव में, अगर मार्केट में कुछ भी मुझे गड़बड़ दिख रहा है, कुछ अच्छा दिख रहा है, तो मैं वहां पर अपील कर नहीं करूंगा। प्री मेंटरशिप प्रोग्राम मैं चलाता हूँ, जो फ्री रहता है, किसी को कम एंड ज्वाइन हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन। अगर बाई चांस आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, तो इस जोन में आपको बाइंग नहीं करनी है, यू शुड जस्ट रिलैक्स। या तो लो पे आएगा बाइंग करेंगे, या फिर 44,856 के ऊपर अगर ये 10 मिनट भी सस्टेन कर गया तो बिंदास बाइंग करेंगे। ये स्टेटमेंट मैं चेंज कर रहा हूँ, आके मत देखना, आके देखोगे कुछ मिस होगा, लॉस आप प्लीज अपने फाइनेंशियल राइट। तो 856 के ऊपर बिंदास बाइंग कर सकते हैं। यहां से 400 पॉइंट का मिनिमम टारगेट 45,256 का पहला टारगेट रहेगा और 45,456 का दूसरा टारगेट रहेगा। समथिंग वेरी बिग है, आप कर लेना 7 से ठीक आएगा ना, ढूंढनी है रेडी। तो प्लीज देखो, हैदराबाद का सेशन है, मिस मत करना। अगर आप सिर्फ 15 मिनट का बाकी पूरे दिन आराम विद लाइव प्रूफ के साथ, लाइव सेशन को प्रूफ दिखाऊंगा, जिस दिन का बोलोगे उस दिन का दिखाऊंगा, स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और फिर आप बताना और कमिट आपके लिए 1 मंथ और कमिट। उस लाइव सेशन ने बोला कि मैं सर स्टॉक मार्केट में 36 स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट की सिर्फ और दम पे सिंपल ठीक फुल बेस्ड। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान ध्यान रखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने परिवार का, यानी फर्स्ट पॉइंट।